कल हम मेरी आवाज आ रही भाई सबको? यस सर। हाँ चलो ठीक। कल हम बात कर रहे थे मीरा बाई के ऊपर, और हमने उनके जीवन के बारे में कुछ बातें देखी थी। उसमें किसी को कोई दिक्कत हो, कोई कंफ्यूजन हो, उसके बारे में एक दोबारा से हम उसको एक तरह से रिवाइज कर सकते हैं, अगर किसी को कोई समस्या हो तो, या फिर हम आगे चलें। आगे चलते हैं, शायद किसी को दिक्कत नहीं होगी। अब उसकी रचनाओं के बारे में बात करते हैं कि रचनाओं में किस तरह से उन्होंने भक्ति आंदोलन को आगे बढ़ाया। एक तरह से उन्होंने बहुत सारे पदों की रचना की, ये सभी भजन थे, लेकिन नरसी मारो और अन्य कुछ गीतों कुछ को छोड़कर गीता मीरा की कोई मुख्य रचना हमें उपलब्ध नहीं हुई है। एक तरह से हमें जो भी उनकी रचनाएं मिलती हैं वो मतलब भजन के रूप में मिलती हैं, एक किताब के रूप में उनकी रचनाएं कम संकलित हुई हैं, या फिर उन्होंने उस तरह से कम लिखा उसको। और मीरा की प्रसिद्धि का मुख्य कारण उसके भजन ही थे। कुछ पद कुछ उनके ब्रज भाषा में हैं, राजस्थानी भाषा में हैं, और कुछ पद उनके गुजराती में, जैसे वो लास्ट में द्वारका जाके बसी थी, द्वारका जाके रहने लगी थी। वे भजन कृष्ण के प्रति प्रेम और भक्ति भावना से ओतप्रोत है। मीरा के सभी भजन कृष्ण को संबोधित कर लिखे गए हैं। उन्हें अपने जीवन के हर कार्य में कृष्ण के सामने होने की अनुभूति होती रहती है। उनके पद भक्ति भावना और भक्ति आवेश से परिपूर्ण है, यानी भजनों में हमें पूर्ण रूप से भक्ति और भक्ति में आवेश हमें दिखाई पड़ता है। हिंदी की बहुत बड़ी कवि महादेवी वर्मा के अनुसार मीरा के पद विश्व के भक्ति साहित्य के रत्न हैं। इसी प्रकार महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला कहते हैं कि मीरा को गीत शैली के काव्य की देवी ही समझते हैं, समझा जाए। उसी तरह से सुमित्रा नंदन पंत जो हिंदी साहित्य के कवि हैं, वो भी यही कहते हैं कि वे प्रेम और भक्ति के तपस्वी, वन की शकुंतला, राजस्थान की मरुभूमि की मंदाकिनी, यानी बहुत बड़ी उपमाएं सुमित्रा नंदन पंत जी देते हैं हमको। मीरा के कुछ पद जहाँ पर उनको हमें दिखता है कि भक्ति भावना और कृष्ण भाव, कृष्ण जो भगवान में लीन होने की जो बात है वो भी हमें दिखाई पड़ती है। इसी तरह से जब हम बात करते हैं, या फिर एक तरह से हम जब साहित्य की बात करते हैं, तो यहाँ पर हमें कुछ बातें इस तरह की दिखाई पड़ती हैं जहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि भाई मीरा के जो भजन थे वो एक तरह से बेहतरीन, उसके हम कह सकते हैं कि मतलब भक्ति की कल्पना है, कल्पना नहीं, भक्ति की एक तरह से व्याख्या है। और भगवान कृष्ण में उनके लीन होने की जो प्रबल इच्छा है वो हमें व्यक्त पर दिखाई पड़ती है। तो मैं अभी आपके सामने कुछ एक इसके जो भजन है वो शेयर कर रहा हूँ, एक मिनट लगेगी।
कुछ आया स्क्रीन पे आपकी? नहीं अब आ गया वो सर। सर। इधर तो दिखा रहा है भाई। वो से यस यार गया। आ रहा है। उसमें जिस तरह मीरा कहती है कि मेरे तो गिरधर गोपाल नहीं यार सर। हैं। जोगिंदर आ गया तेरे पास? हाँ सर, ये तेरा तो कहाँ आ मेरा लिख भाई? रखा हाँ, है। दो बार लिखा भाई। मेरा भी ना है सर। कौन दिखा अमन के पास भी नहीं पूछा क्या? सकते सर यहाँ मेरे को तो ना, मेरे को दिख रहा सर। मैं दोबारा शुरू करता हूँ। पर चलो इसको देखते हैं, अगर हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो फिर करते हैं इसको पढ़ाई। मीरा भक्त में उसमें भजन में कहती है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरा पति सोई। यानी गिरधर गोपाल के बारे में कहती है, और वो कहती है कि दूसरा मैं किसी को जानती ही नहीं, और उसके ऊपर मोर पंख है यानी मोर का मुकुट है उसके, और कृष्ण के बारे में हम जानते हैं कि वो अपने सिर पे मोर पंख लगाते थे, वही मेरे पति हैं, ऐसी बात कहती है। और यही सबसे बड़ी समस्या भी उनके लिए बनती है, जब विक्रमादित्य उनको मारने की कोशिश करता है, तो वो लोग ये मानते हैं कि छोड़ी दही कुल की कहानी कहा करिए कोई। यानी जिस तरह से हम कहते हैं ना कि कोई कुल की कहानी कहता है, कोई कुछ कहता है, संतन डींग बैठी बैठी लोक लाज खोई। यानी संतों के साथ बैठ बैठ कर उसने लोक लाज खो दी है। जैसे आसवन जल सींची सींची प्रेम बेली बोई, यानी आंसुओं के जल से जो सींच कर उसने जो प्रेम की बेल बोई है, अब तो बेली बेली फैल गई है जाने सही कोई। यानी तो बेल यानी जो प्रेम की जो बेल थी वो फैल गई है। भगत दखी राजी हुई, यानी भगत को देख के तो खुश होती है, मगर जगत देखी रोई, यानी समाज को देख के तो फिर उसको रोना आता है। दासी मीरा लाल गेदर, यानी गिरधर की दासी एक तरह से मीरा, यानी भगवान कृष्ण की दासी है मीरा एक तरह से। तोरो तारो अब मोही, अब यानी अब तुम ही मुझे पार धारो इस तरह से। कोई कहिए रे मोहन आवन की मन भावन की, ये ए दो नैन कहो न माने, नदियां बसे जैसे सावन की। यानी एक तरह से कहते हैं कोई मतलब मोहन को कहिए कहें कि वो मेरे पास आए, और जिस तरह से दोनों जो दोनों नयन हैं वो बिल्कुल नहीं मान रहे हैं, जैसे इस तरह से रोना इस तरह से आ रहा है उसको, जैसे सावन में नदियां बहती हैं। आपने आवे लिखी नहीं भेजी, ना तो आप आ रहे हो ना कोई पत्र भेज रहे हो, बांध पड़ी ललचावन की। यानी एक तरह से ललचाने की तरह से
वो ऊपर गई है। कहा करूं कुछ वस नहीं मेरो, पाक नहीं उजड़ा उनकी, मीरा के प्रभु कब्रे मिलोगे, चरी भाई तेरे दावन की। यानी एक तरह से वो मीरा के बारे में कहती है कि एक तरह से कहते हैं कि मतलब भाई मेरे बच में कुछ भी नहीं, और फिर बार बार कहती है कि प्रभु तुम कब मिलोगे, मैं तेरे दामन के साथ एक तरह से जुड़ गई हूँ या चरी हो गई, चरी भाई। मीरा के बारे में कहते हैं कि अद्भुत साहस उसके अंदर था, मीरा जैसी विशाल रियासत, मारवाड़ जैसी विशाल रियासत में मेड़ता की जागीरदार की पुत्री और मेवाड़ की राणा परिवार में ब्याही जाने वाली मीरा ने न तो मारवाड़ की झूठी प्रतिष्ठा की परवाह की और न ही मेवाड़ में छद्म नैतिकता की। वह नारी थी, परिवार की नैतिकता को अच्छी प्रकार समझती थी। वो जानती थी कम उम्र में विधवा हुई नारी को इन राज परिवारों में दासी से बुरी कंडीशन में रखा जाता है। ये उसमें एक तरह से हम कह सकते हैं कि मतलब जो कम उम्र की जो महिलाएं थी वो हमेशा जो दासी का जो जीवन था वो इस तरह ही रहता था कि एक तरह से उन्हें हमेशा ऐसा जीवन व्यतीत करना पड़ता था कि एक तरह से दासी। इस समाज की उस समय की एक तरह से वो हमें दिखाई पड़ता है। शादी के 7-8 वर्ष के बाद उसने अपने पति, कई बार हमें ये मिलता है कि 3-4 साल के बाद भी उसके पति के शव के साथ न तो वसती हुई और न ही विधवाओं की तरह अछूत बनकर रहने वाली को रहने को तैयार थी। अंत दोनों ही कंडीशन में उसे नारी विरोध, दोनों जो कंडीशन थी उसे नारी विरोध लगती है। यानी महिलाओं के लिए एक तरह से वो कंडीशन ऐसी है कि वहां पर वो एक तरह से कहते हैं कि जो स्वतंत्र नारी है उसके लिए दोनों कंडीशन एक तरह से दास, या फिर एक तरह से वो कहते हैं कि उसके समकक्ष उसको नहीं दिखाई पड़ती। इसलिए उसने मेवाड़ के जो महाशक्तिशाली राणा की परवाह किए बिना भी, यानी मेवाड़ के जो राणा थे उनका इतिहास रहा है कि वो कभी मुगलों के सामने नहीं झुके, मगर उनके सामने मीरा अपने अधिकारों के लिए या फिर अपनी आन और बान के लिए एक तरह से, यानी कि आन बान का अर्थ यहाँ पे एक तरह की स्वतंत्र चेतना, स्वतंत्र चिंतन या फिर स्वतंत्र भक्ति, ये इनके लिए वो अपने एक तरह से उनसे लड़ जाती है। यानी मतलब से एक तरह से उनको देखते हुए वो आगे बढ़ जाती है। तो जो जिनसे पूरा राजस्थान थिरथिर कांपता था वो मीरा के सामने मतलब एक तरह से कुछ विशेष नहीं कर पा रहे थे। यानी मीरा की जो आदतें थी, जो स्वतंत्र चिंतन था, उसको वो लोग रोक नहीं पा रहे थे। तो वो बिना किस राणा की, यानी राणा की परवाह किए बिना समाज में घुलना मिलना, संतों के साथ नाचना गाना और वो दिन रात ईश्वर भक्ति में रहने की अपने दिनचर्या को चुनना उसने। महाराणा ने जब इसका विरोध किया तो वे बोली, राणा जी थाने जहर दियो मैं जानी, यानी आपने मुझे जहर दिया मैं जान गई, जैसे कंचल दहल अग्नि में निष्कत बारा बानी। यानी एक तरह से जो अग्नि है उसकी बारे में यहाँ पर बात कर रही है कि राणा द्वारा जहर देना और कृष्ण भक्ति के कारण उसका बच जाना। हालांकि कुछ लोग कहते हैं कि मिथक भी हो सकता है, लेकिन सत्य यह है कि राम महाराणा ने अपने पुत्र वधु को परिवार की नैतिकता और बंधनों को तोड़ने के आरोप में प्रताड़ित अवश्य किया होगा। यह प्रताड़ना मीरा ने जिस आत्मविश्वास के साथ झेली उसमें उसे उसमें और अधिक हिम्मत आई। संकटों में पड़ी मीरा
हिम्मत के साथ संकटों को आमंत्रित करती, उनसे टकराती है, झुकती नहीं। जैसे जहर पीने के बावजूद भी जीवित रहने का अर्थ अग्नि में तपन, अग्नि में तपकर कंचन बंद बनकर निकलना ही है। यानी यहाँ पर जो दूसरी लाइन थी, कंचन दहल, यानी अग्नि में जब कोई तप कर बाहर निकलता है फिर उसको नष्ट करना इतना आसान नहीं होता है। तो अग्नि महाराणा के द्वारा दिए जाने वाले कष्ट हैं, उन कष्टों में निर्बाध जीवन जीती मीरा कंचन। यहाँ पर मीरा का यह आत्मविश्वास और महाराणा को उसकी चेतावनी मध्ययुगीन समाज में टक्कर लेती हुई मीरा की नारी क्षमता को स्पष्ट करती है। एक तरह से राणा जैसे जैसे मीरा को परेशान करते रहे, यहाँ पर ये जिस तरह से हम बात कर रहे हैं कि मध्ययुगीन जो सामंतवादी सोच कह सकते हैं या फिर पितृसत्तात्मक जो सोच हम कह रहे हैं, तो वो सोच बार बार, कंचन का अर्थ होता है सोना, यानी एक तरह से मीरा अगर दुष्ट जो कष्टों को सह करके बाहर निकलती है उस अग्नि से, तो वो एक तरह से हमें ये दिखाती है कि मतलब मीरा कोई सामान्य महिला नहीं रही। क्योंकि अधिकतर हम ये देखते हैं कि जब मध्यकाल की बात करते हैं या प्राचीन काल की बात करते हैं या फिर काफी हद तक हम आधुनिक काल की बात करते हैं, तो अधिकतर मामलों में यही दिखता है कि महिलाओं को परिवार में दबाया जाता है, यानी उनके अधिकारों की जब बात आती थी तो उनसे पहले उसके कर्तव्य उसको दिखाए सिखाए जाते थे कि तुम्हारा कर्तव्य ये, और अधिकारों की बात तक तो पहुंचने ही नहीं देते थे। एक स्वतंत्र चिंतन या फिर स्वतंत्र जीवन जीने का अधिकार कभी महिलाओं को मिला ही नहीं, जिस तरह से हम अपने इतिहास देखते हैं। हालांकि बहुत सारे दारवादी या फिर एक तरह से कहते हैं हम कि कुछ उदाहरण मिलते हैं, मगर एक सामान्य जो संकल्पना या फिर सामान्य जो एक तरह से परंपरा जो हमें दिखाई पड़ती है वो यही रहती है कि जिस तरह से आगे अंग्रेज भी कहते हैं कि महिलाओं की जो कंडीशन है वो, ये अलतेकर भी यही बात कहते हैं कि डिग्रेडेड कंडीशन थी महिलाओं की, जो शायद इतिहासकार है। तो राणा ने जैसे जैसे मीरा को परेशान करते रहे, वह उन परेशानियों से ऊपर उठकर अपने जीवन को जीती रही। जब घर परिवार ने उसे कुल नासी आदि कहा तो उसने उसकी भी चिंता नहीं की। यानी जब हम कहते हैं कि छोटी बातों से बात नहीं बनती है तो बड़े शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कुल का नाश करने वाले उसे बोला गया तो उसकी भी उसने कोई विशेष चिंता नहीं की। यहाँ पर परिवार की मर्यादा का पालन किए बिना पैरों में घुंघरू बांधकर नाचने लगती है, यानी जिस तरह से ये काफी इनका फेमस भी है भजन का, पै घुंघरू बांध मीरा नाची रे, लोग कहूं मीरा भई बावली। लोग तो कहते हैं कि मीरा एक तरह से बावली हो गई है, मगर सासू कहुआ कुल नासी, यानी जो उसकी सास है वो उसको कुल नासी कह रही है, यानी एक तरह से। यहाँ पर एक बात ये भी है कि मीरा कोई भी काम लुके छुपे नहीं कर रही है, सबके सामने सरेआम वो सारे काम कर रही है, एक तरह से अपने स्वतंत्र चिंतन को दिखा रही है, स्वतंत्र भक्ति भावना को वो सबके सामने लेकर आ रही है, और पैरों में घुंघरू बांधकर, यानी एक तरह से जो ये जो सबके सामने नाचने का जो है ये उनका आत्मविश्वास है, और वो किसी के साथ या फिर किसी को मतलब अपने आप अपने सामने सिर्फ कृष्ण भगवान को ही देख रही है, बाकी किसी को देख ही नहीं रही है। इस प्रकार के कार्यों में जब घर और समाज के लोग उसकी हंसी उड़ाने लग जाते हैं तो वह हिम्मत के साथ कहते हैं, कड़वा बोल लोक जग बोला कर्ष्या मारी हंसी, यानी कड़वे लोग भी कड़वे बोल भी सारा संसार बोलता है और हमारी हंसी भी उड़ा रहे हैं। राणा जी माने ये बदनामी लागे मीठी, कोई निंदा कोई बिंदा,
मैं चाल चलू चलूंगी अंगूठी, यानी मतलब राणा जी ये बदामी भी मुझे बड़ी प्यारी लग रही है। कहीं ना कहीं इसके साथ उनका मतलब कृष्ण भगवान के साथ एक तरह से भी मतलब एक चेतना की बात हमें दिखाई पड़ रही है, यानी बदनामी भी वहां पर उसको मीठा लग रही है। अंगूठी चाल करने के लिए वो कहती है कि लोक धारा में जो बदनामी की गई है चिंता है वो बल्कि मीठी कहकर उसको स्वीकार करते हैं। यहाँ पर जो उसकी अनूठी चाल उसकी अपनी अस्मिता से प्रेरित है, यानी जो एक तरह से कहते हैं ना कि लोक चाल की जो यानी लोक लोक बोलचाल की जो भाषा थी या बोलचाल का जो व्यवस्था थी या परंपरा थी उससे अलग होकर वो चल रही है। क्योंकि और मीरा के साथ भी उस समय जमाने में अकेले मीरा एक विधवा नहीं थी, बहुत सारी महिलाएं विधवा थी, मगर वो सारे अपने जीवन का जीवन जिस तरह से एक विधवा जीवित करती है मतलब जीती है वैसे ही जीवन व्यतीत करते थे। तो यहाँ पर मीरा हमें अलग प्रकार से दिखाई पड़ती है, इसलिए वो कहती है कि मेरी चाल अनूठी। तो ये कुछ बातें हमें मीरा की हमें देखने को मिलती है। और पर्दा प्रथा का भी विरोध में मीरा किसी प्रकार की चिंता नहीं करती है। पत्नी पति की मृत्यु के बाद उसे कोई दूसरा पुरुष उसे भाता ही नहीं था। अब उसका अपना आत्मविश्वास था जिस आत्मविश्वास के सामने दुनिया का कोई भी पुरुष गलत दृष्टि से देखने की हिम्मत नहीं कर सकता, इसलिए खुलेगा हम घूमती है। हम कल्पना करें कि मध्यकाल की हम बात करेंगे कि हमारे सामने रखे मध्यकाल को चित्तौड़ जैसे महाराणा के पुत्र बदल यानी कितना उसको एक तरह से बिना पर्दे घूमने लगे तो कितना उसका विरोध हुआ होगा। आपको ध्यान में होगा कि अभी जैसे कुछ साल पहले एक फिल्म आई थी जिसके बारे में कहते हैं कि पद्मावती उसका कितना लोगों ने विरोध किया था कि रानियों का जीवन इस तरह से हमारा दिखाया गया। तो अब अगर हम उस इस बात से और मीरा से कंपेयर करें तो मीरा तो इस तरह से बहुत ज्यादा अपने जीवन में स्वतंत्र रही है, तो पर्दा प्रथा का विरोध भी करती है। और मीरा जिसे आज से 500 वर्ष पूर्व या 500-600 साल पहले की बात करें तो पर्दा प्रथा विरोध करती है। राणा जी के विरोध करने पर वो कहती है कि राणा जी अब न रहूंगी तोरी हट के, साधु साणु संग सो ही प्यारा लागे, लाज गई घूंघट की, मेरी घूंघट की वो तरह से कहते हैं लाज चली गई। राणा जी की हटकी यानी हट मर्यादा उनका देश सबको उल्लंघन करती है और मीरा साधु संगति की साणु संग सो ही प्यारा लागे यानी उसको साधुओं की संगति प्यारी लग रही है उसे। और एक तरह से वो अब कहते हैं कि मतलब भाई जो लाज है घूंघट की अब उसने छोड़ दिया उसको। और जिन्हें मीरा जिसे कहते ना कि साधु संतों के बारे में कहती है कि वो सीधे सच्चे व्यक्ति हैं जिन्हें मीरा अपनी बच्ची जैसी समान बच्ची जैसी लगती है, जिनकी दिव्य दृष्टि जिनकी दृष्टि पवित्र है उनके लिए घूंघट की आवश्यकता नहीं है। इसलिए मीरा उन लोगों के साथ रहना स्वीकार करती है जिनके साथ उसने रहने पर घूंघट जैसी कृत्रिम आवरण की आवश्यकता नहीं। और मीरा द्वारा उपयुक्त व्यक्तियों का चुनाव दृढ़ रहने का सारांश उसे महिमामयी बनाता है। और वो कहती है साधु मात पिता कुल मेरे, साधु निर्मल ज्ञानी री, राणा ने समझियो बाई, उदा मैं तो एक न मानी रे, मैं तो संतन हाथ बिकानी रे। यानी निर्मल ज्ञान के जो साधु हैं उनके बारे में बात कर रही एक तरह से, यानी साधुओं को अपनी माता पिता और घर कुटुंब मानकर उनकी हाथ बिक जाना भी उसे मतलब पूरा है, एक तरह से बिक जाने में विश्व कोई एतराज नहीं। यहाँ पर महाराणा द्वारा समझाना लेकिन फिर भी उनकी न मानकर महाराणा का ही नहीं पूरे समाज की आज्ञा का उल्लंघन है एक तरह से।
जिसे मेरा नारी विरोधी होने के कारण नहीं मानती। महाराणा यहाँ पर प्रतीक है समाज के उस मुखिया के रूप में, और मीरा उन्हीं महाराणा का विरोध कर उनके द्वारा नारी को गुलामों की तरह रखे जाने का विरोध करती है। मीरा पूरी तरह से सामंती व्यवस्था के कुचक्रों और नारी विरोधी समाज के सामने तनकर खड़ी तरह से। वो किसी से डरती नहीं, किसी की चिंता नहीं कर रही। उसने अपनी स्वतंत्रता का मार्ग स्वयं प्रशस्त किया और उसे उस मार्ग पर झूमते गाते गर्व से आगे उस मार्ग पे वो बढ़ रही। तो आज हम इतना ही करेंगे, इसका अगर जो अगला पार्ट हो फिर कल करते हैं। इसमें कोई ऐसी बात हो जो आपको समझ में नहीं आई हो उसके ऊपर हम कुछ डिस्कस कर सकते हैं। अपनी वीडियो कर लें भाई। ठीक है सर। आशीष आ गया सर। उन्हें यस सर। हेलो गुरुजी। हाँ गुरु जी आ गए। संकेत भाई पहली बार क्लास में तो तेरा बहुत बहुत स्वागत है। ये फूल वूल तो लिया नहीं, तेरे कदमों बिखेर देते भाई। चलो ठीक है भाई, अपने बाकी साथियों में बोलो, वो भी क्लास ज्वाइन करें। बाकी कल मिलते हैं फिर। ठीक है चलो ठीक है फिर। ठीक है सर। ठीक है।